गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये कौन है आप सबके सामने स्क्रीन पे? तो हमारा जो टिमटिम है अभी अभी उठा है, अभी अभी मतलब 10 सेकंड पहले उठा है, और टिमटिम इस वक्त अपनी मम्मा की गोद में है। कैसा फील कर रहा है टिमटिम इस वक्त? मच बेटर। खांसी नहीं आई ना रात को? नो। कल कितनी रातों बाद इसको एकदम बिना वीजिंग के और बिना तड़प के छुआ है। हालांकि रात को जब ये वो हंस रहा था, ऐसा कुछ कर रहा था ना, बीच में एक कॉफ की एक आवाज आ रही थी, तो हल्का, but nothing that in let her sleep। कैसे देख ले? अरे भाई मुस्कुरा दो टिमटिम, लोगों के लिए मुस्कुरा दो। अच्छा टिमटिम के थोड़े से बाल और आ गया ना, तो और फेस जो है ना वो थोड़े से सॉफ्ट लग रहा, पाला है ना। इचो मौसम जो है वैसे ओवरकास्ट और मतलब बारिश हुई है, लकीली बारिश नहीं हुई है। बारिश हुई थी सुबह, जब मैं रनिंग करी थी। अच्छा शिल्पा, तो आज मैं कितने दिन बाद रनिंग गई हूँ? 5 दिन बाद, क्योंकि इसलिए सोई रात भर तो मैं भी अपना रूटीन कर पाई, वरना इतनी रातों से आई हैडंट। चलिए तो वीकेंड की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। टिम जो इस वक्त नीचे देख रहा है, टिम नीचे देख रहा है कि नीचे कौन स्विमिंग कर रहा है वो, है ना? हो जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। All of us are heading to the doctor. All of us as in मैं, शिल्पा और ईशु और मिस्टर हॉलीवुड का तांडव। हॉलीवुड जी का जो है वो चल रहा है, पीछे आपको बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही होंगी। तो ये है यार, जुकाम को ठीक होने में करीब 1 हफ्ता तो लगते ही है, एंड दो दिन हो गए ऑलरेडी ईशु को जुकाम पे। पर आई थिंक इतना कंजेशन है उसकी वजह से ईशु जो है ढंग से सो नहीं पा रही है। कंजेशन चला जाएगा, थोड़ा सा जुकाम उसका फ्लेम निकल जाएगा, शिव भी बैठा। मैंने बोला इससे हल्का फुल्का इससे ब्लॉग डाल के ऐसा डाल देंगे आपके लिए, ताकि पीपल हु आर मिसिंग इशू कैन सी हर, यू कैन दे कैन विश वेल फॉर हर, प्रे फॉर हर। फटाफट मिली चिको, इशू की आंखों से नहीं लग रहा है, आशु आंखों से लग रहा है। और बड़ी मतलब ओहो, हम दोनों की आंखें सूजी हुई हैं। तो हम लोग जो है डॉक्टर्स जस्ट अराइव्ड और ईशु अपने न्यू टॉय के साथ मस्ती कर रही है। तो वी लास्ट का आई थिंक ये इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो ईशु को वॉक में भी हेल्प कर सकता है, वॉकिंग है। और ईशु की मम्मा यहाँ बैठी हुई है, ईशु को इंस्पेक्शन, ईशु का इंस्पेक्शन हो रहा है कि ईशु क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। ईशु, नाउ यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन, राइट? तो ये सेट आपको हम अपडेट करते रहेंगे क्या हो रहा है कैसे। तो ईशू जो है अपनी ईशू वाली चीज़ें कर रही है। बढ़िया, एक मिनट इधर दिखाओ ना, इधर देखो ना पीछे इसमें देखो ना, अगर इसमें ईशू उसको पकड़ के वॉक कर रहे हो आपके पास भी। मुझे जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास ले सको ताकि मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ। अरे हाँ, उसने खुद ही कर लिया बेबी, देखो की वजह से। इसलिए देख रही है कि अंदर है क्या क्या चीज है। मैडम को कोई फर्क पड़ता है? ओके, डॉक्टर जनरली इशू को चेक कर रहे हैं।
I'm sorry, baby. हाँ तो इशू को चेक कर लिया डॉक्टर ने और चलिए कोल्ड वोल्ड सब ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ी जो हमारे लिए चैलेंज है फिलहाल वो ये है कि इशू का जो मिल्क है रात का वो रोकना है एंड आई डोंट नो हाउ आर वी गोइंग टू डू इट, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन है? आप शायद मुझे तो लग रहा है कि इशू अगर रोएगी तो फिर बाहर बना दो यार, बाहर अजीब से लग रहा है। ठीक है, इशू अगर रात को रोएगी तो और कुछ कर नहीं पाएंगे हम लोग फिर ड्राइव पे जाएंगे बेबी, इसको पकड़ो का हाथ हाथ इस तो हम लोग जो है बेबी अब रात को जाएंगे इशू के साथ ड्राइव पे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है दूध तो एकदम मना, और अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो शीशे जितना टाइम होगा उतना और ज़्यादा डिफिकल्ट होगा आपकी चीज़ें। तो हमारी जो गणपति जी की तैयारी है वो धीरे धीरे शुरू हो चुकी है और इशू और मम्मा जो है दोनों शॉप पे गए हुए थे। बेबी बी वेरी वेरी केयरफुल, मैंने गलती ये है कि वो कॉर्नर पे रोका मैंने, पर आगे जगह नहीं थी। मिंकू, सो मिंकू इज हेडिंग बैक होम नाउ डॉक्टर के यहाँ से। मिंकू को मेडिसिन मिल गई है और होपफुली मिंकू विल बी फाइन सून। आई थिंक शी इज ऑलरेडी फीलिंग बेटर। लव के चक्कर में लोगों की उपकाइयां निकल जाती हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारी नहीं बट लोगों की। हे एवरीवन, तो मैं अपनी फिजियोथेरेपी के लिए वापस आ गया हूँ और ये इस वक्त मैं इलेक्ट्रिक शॉक ले रहा हूँ, IFT ले रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपसे कल बताया था दैट वी हैव अ वेरी टैलेंटेड फिजियो हियर, हर नेम इज डॉक्टर विनी वर्मा एंड हियर शी इज। हाय एवरीवन, तो आप बता दीजिए जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं कि डूज एंड डोंट्स क्या है, अगर इस तरीके की कुछ चीजें होती है जैसे मुझे टेनिस एल्बो है तो क्या चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए और क्या चीजें करनी चाहिए। सी द फर्स्ट थिंग, सबसे पहले जो चीज आपको ध्यान रखना है ना कि हमेशा स्ट्रेंथन करिए रिस्ट को भी। ये मत सोचिए कि टेनिस एल्बो के पास है तो यू हैव टू वर्क ऑन योर एल्बोस, ना, यू हैव टू वर्क ऑन योर रिस्ट। रिस्ट को स्ट्रेच करिए, रिस्ट को स्ट्रेंथन करिए और प्रोलॉन्ग एक्टिविटी, प्रोलॉन्ग पोजिशन से आपको अवॉइड करना है उसको। सो कीप मूविंग एंड कीप योरसेल्फ फिट। दैट तो ये है एंड आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए यूजफुल होगी। सो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड चलिए फिर बाद में मिलते हैं आप सबसे।